हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F04 फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में AP बैंड ऑप्शन है, आप देख सकते हैं जो बैंड ऑप्शंस है, इस बैंड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने 5.0 GHz बैंड पे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि 5.0 GHz बैंड पे सेट करके आप अपने फ़ोन की हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F04 फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इस पे से जाना है सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को, सॉरी, कैसे आप AP बैंड के जरिए हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट की स्पीड को इनक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो कनेक्शंस पे जाएंगे। फिर आपको इस पे जाना है, इस पे जाते ही हॉटस्पॉट को भी ऑन कर लेना है। फिर आपके पास कॉन्फ़िगर सेटिंग्स आ जाती है जिसमें बैंड ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली देख सकते हैं। तो AP बैंड के जरिए आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड को स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो AP बैंड का यूज़ करते हैं। और AP बैंड को आपको 5.0 GHz पे सेट कर देना है, जिससे आपकी जो हॉटस्पॉट की स्पीड है इंक्रीज हो जाती है और फास्ट हो जाती है, और सेव करते ही आपका बैंड है सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। एंड आप हॉटस्पॉट को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क को किसी भी दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करके इंटरनेट वगैरह आप चला पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप AP बैंड के जरिए हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।